पौत्रों और प्रपोत्रों के आपसी विवाद में महाकवि जयशंकर प्रसाद की विरासत महफूज नहीं है। दोनों गुटों में विरासत को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है। इससे लगता है कि जयशंकर प्रसाद की पांडुलिपियां महफूज नहीं है। अभी दो दिन पहले ही बताया गया था कि महाकवि की पांडुलिपियां चोरी हो गई है। जयशंकर प्रसाद का संग्रह गायब है। एक गुट दूसरे गुट पर आरोप लगाते रहे, लेकिन जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो पाया कि जयशंकर प्रसाद की पांडुलिपियों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने जयशंकर प्रसाद की पोत्रों और प्रपोत्रों को मिल बैठ कर आपस में विवाद को सुलझाने की सलाह दी, लेकिन विरासत के दावेदार बहुत है, इसीलिए सभी को लगता है कि इस पर सभी का हक होना चाहिए। शिकायत हम लोग ये किए हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी, महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के जो पांडुलिपियां हैं वो प्रसाद न्यास के अंतर्गत होनी चाहिए थी, और प्रसाद न्यास जो है वो प्रसाद मंदिर सराय गोवर्धन चेतगंज जो लोगों का घर है उसके बाहर नहीं जानी चाहिए थी ये पांडुलिपियां। बाकी लोगों का कहना है कि ये छह लोगों का हिस्सा है, इसमें छह लोगों के संरक्षण होना चाहिए। हक के लिए जयशंकर प्रसाद के प्रपोत्रों में राड़ जारी है। विभुरत्न ने आरोप लगाया था कि महाकवि की पांडुलिपियों और स्मृति चिन्ह कहीं दूसरे जगह ले जाए गए हैं। ये मामला अदालत तक भी पहुंच गया, लेकिन जयशंकर प्रसाद के प्रपोत्र विजय शंकर प्रसाद ने कहा कि महाकवि की धरोहर सुरक्षित है। मेरा कोई हक नहीं है, दादाजी ने, मेरे जो दादाजी प्रसाद जी के एक में संतान थे, उन्होंने हमको लिखित रूप में दिया और उन्होंने ये, हाँ वो लिखित रूप में मेरे पास है और उन्होंने फिजिकली भी दिया। मेरे पास फिजिकली कैसे आएगा, मेरे पास फिजिकली कैसे आएगा? तो मतलब ये, और मेरा कोई हक नहीं है, ये राष्ट्र का धरोहर है। अगर प्रशासन बोलता है, सरकार बोलती है, तो मैं राष्ट्र को भी दे दूंगा। फिलहाल वाराणसी प्रशासन ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी जैसी बेशकीमती और महारचना को अपने कब्जे में नहीं लिया है और उनसे जुड़ी दूसरी चीजें भी पारिवारिक विवाद के भंवर में फंसी हुई है। अब देखना ये होगा कि बिस्मिल्लाह खां की ही तरह जयशंकर प्रसाद की विरासत भी नष्ट हो जाएगी या फिर समय रहते इन दुर्लभ पांडुलिपियों को विवाद से मुक्त कराने में सफलता मिलेगी। बिस्मिल्लाह खां के बाद अब महाकवि जयशंकर प्रसाद की विरासत पर भी विवाद शुरू हो गया है। परिवार के सदस्यों के बीच उनके रचनाओं के पांडुलिपियों पर दावे किए जा रहे हैं। प्रशासन ने ये कहते हुए हाथ खड़े कर लिए हैं कि इस पर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि कमायनी समेत अन्य रचनाओं की पांडुलिपियां सुरक्षित हैं, मगर कब तक सुरक्षित रह पाएंगी ये कह पाना मुश्किल है। वीडियो एनालिस्ट शिवम के साथ गौरव शर्मा, APN, वाराणसी।